कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की राजनीति में फैसला कांग्रेस के हक में आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और ढोल बजाकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने पत्रकारों से बात करते हुए सर्वप्रथम कर्नाटक की जनता का धन्यवाद किया और न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करते हुए कांग्रेस और जेडीएस के नेतृत्व को भी इस जीत की बधाई दी। कर्नाटक की जनता को बधाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और न्यायपालिका का धन्यवाद, साथ साथ कांग्रेस और जेडीएस के नेतृत्व को भी बधाई जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ी और जो एक जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था, जनादेश का अपमान किया, कर्नाटक की जनता का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे विधायक जिनको 150-150 करोड़ रुपए और कैबिनेट की बर्थ, कैबिनेट का मंत्री बनाने के लिए प्रलोभन दिए गए, वो मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी सेकुलर जो फोर्सेस थी, ताकतें थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई, विजय हमारी हुई। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ। और पहले हम सुनते थे एक दिन का मुख्यमंत्री होता था, अब 2.5 दिन का मुख्यमंत्री, 2.5 लोग केंद्र की सरकार को चला रहे थे और 2.5 दिन का मुख्यमंत्री। और मैं समझता हूँ कि अब जब फैसला खुद भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है, बहुत तोड़फोड़ की कोशिश करी, जो भी शाम दाम दंड भेद लगा सकते थे वो लगाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में जो है लोकतंत्र की, प्रजा की और देश में जो हमारा संविधान है उसके और कानून के राज की दोबारा स्थापना हुई है। अब मैं समझता हूँ कि सबसे पहले, अब क्योंकि खुद वो इस्तीफा देने गए हैं, इसलिए अब मौका जेडीएस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इस साझा गठबंधन ने तय किया था, तो सबसे पहले उनको आज ही मौका देना चाहिए, हमारी तो ये मांग है। ये कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जीत है जिन्होंने पूरे इस मोर्चे को मजबूती से लड़ा, इसका पूरा संचालन किया। और ये दिखाता है कि मजबूत नेतृत्व किस तरीके से, जो दूसरे प्रदेशों में उन्होंने किया, जो पहले हमारी गलतियां रही उस गलती से हमने सबक लिया और इस बार वो गलती बड़े प्रदेश में हमने दोहराने नहीं दी। तो निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, जेडीएस की जीत है और सबसे बड़ी बात इस लोकतंत्र की जीत है। तो लोकतंत्र के इस जश्न में आज हम शामिल हो रहे हैं सारे साथी, और मैं पूरे देश के कांग्रेसजनों से और खास तौर से हरियाणा वालों से कहता हूं कि खूब धूमधाम से आज इस जश्न को मनाएं और नई ऊर्जा, नए रक्त के संचार के साथ हम आगे 2019 के विजय के लिए पूरा प्रयास करें, पूरी मेहनत।